रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेकिन पिछले एक दो हफ्तों में आपका गेम सुधरा है एंड चाहे आप प्रोफेशनल हो चाहे नहीं, लेकिन मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूं और मैं अपनी लाइक और डिसलाइक को इस फैसले में ना लाते हुए आपको सिर्फ सजा सुनाऊंगी आपकी बदतमीजियों की, लेकिन आपको फिर भी लॉकअप में रहने का मौका दिया जा रहा है। थैंक यू। तो आपकी सजा यह है कि आज रात से आप काला पानी यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेंगी अंटिल फर्दर नोटिस। ओके, थैंक यू फॉर सेविंग मी एंड आई होप आई कैन चेंज योर ओपिनियन। यू शुड चेंज योर सेल्फ। माई ओपिनियन विल चेंज ऑन इट्स ओन। I will try to do that. Go take your seat now. Thank you. सारा जी, आप जितनी बातें स्मोकिंग जोन में करती हैं उतनी अगर स्मोकिंग जोन से बाहर करें तो शायद आपको यहाँ आने की नौबत ही नहीं पड़ती। सारा, आप में भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा संभल संभल के वो एक शायरी है ना कि इतना डरते हैं तो घर से, कुछ लोग हैं जो कदम कदम पर बताना जा रहे हैं, कुछ लोग यूं रुक रुक कर संभलते क्यों हैं। हाँ। मैं जाने के लोग कुछ लोग क्यों रुक रुक कर संभलते क्यों हैं। हाँ। अरे अगर इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। राइट। तो सारा, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इतना संभल संभल के चलना है तो फिर घर से निकलना ही क्यों है, है ना। तो आप या तो रोते हुए दिखती हैं या रोटी बनाते हुए दिखती हैं, तो आई होप कि आप और भी चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करें, इन्वेस्ट करें। एंड आई पर्सनली फील दैट यू मे नॉट बी डूइंग ग्रेट बट यू आर डूइंग ओके। एंड अगर आपने अपनी गेम पे ध्यान दिया और अपनी गेम को सुधारा तो आप इस जगह पे टिक सकती हैं, नहीं तो अभी मुश्किल लग रहा है। शायद इस हफ्ते बच भी जाएं, लेकिन अगले हफ्ते बचना मुश्किल होगा। जी, तो क्या लगता है, सेफ होंगी आज के? नहीं। दिस गेम इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट्स ऑल आपके हाथ में सब कुछ। तो सारा, आज इस हफ्ते आप सेफ हो गई हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जी कि अब कंपटीशन बढ़ता जाएगा और अब यहाँ पे सिर्फ ठीक ठाक लोग नहीं टिकेंगे जी। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायरी, कंपेटिटिव और गो गेटर टाइप लोग टिकने वाले हैं। Please take your seat. Thank you, Kamina. Thank you. आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अब तक लॉकअप में नहीं दिखी है सारा। आई होप इस मौके का फायदा उठाएंगी और आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी निकल के आएगी। मुनव्वर, तुम धमका रहे हो अंजलि को। अरे मैं बोलता अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। मुनव्वर, तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो कि मैंने देखा यू डिडंट इवन रीच आउट फॉर द बजर। मतलब पहुंचे तो, लेकिन तुमने जान के उसको डिले किया। मैंने जो चीज़ मुझे 15 साल पीछे जो लेकर गई ना, वो शायद मुझे उससे वो समझ नहीं आ रहा था जब मैंने वो चीज़ को वहाँ देखा कि जो चीज मैं भूलना चाहता हूँ या भूलने वाली चीज़ नहीं, नहीं ऐसा तो छोड़ा मैं वो जोन में। ऐसा कुछ नहीं, अगर तुम प्रेशर में होते, अगर तुम प्रेशर में होते तो तुम उस बजर को दबाते थे, वैसा कुछ नहीं है। यू हैव कम टू विन। मैंने दबाया भी, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने दबाया भी, बट आई थिंक कि मैं मुझे दबाने का फील हुआ कि मैं और जल्दी दबा सकता था। तुमने जान के उसे लेट दबाया क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आए हुए हो, ठीक है। और मैं तुम्हें, टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें इस बात के लिए दोषी ठहराती भी नहीं हूँ क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं, कहीं तो खुद को सपोर्टिंग कैरेक्टर बन के बैठे हुए हैं, कहीं जो है फालतू की लड़ाइयाँ झगड़े चिल्लम चिल्लियाँ कर रहे हैं। दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू बी द मोस्ट हेटेड पीपल इन द जेल, यू अंडरस्टैंड। उनको आप पसंद ही ना करें, इस तरह के तो आपके कॉम्पिटिशन्स हैं, यू नो। तो मैं आपको इस बात के लिए नहीं कहती हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंट बन गए हैं, लेकिन ध्यान रखें ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, देर इज अ लॉन्ग वे टू गो, कि आपको लेट ना डूबे। बिल्कुल। और इसलिए अभी आप हवा में उड़ रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल सेफ हैं, यू आर द मोस्ट
voted contestant also. और इसके लिए you didn't even reach out for the secret buzzer. लेकिन देखना, just watch out, क्योंकि मैंने कहा है ना आपको कि ये लॉकअप भी जिंदगी की तरह है. हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है. तो इस बात का ध्यान रखना. Go take your seat. Thank you. बबीता जी. जी बहन. और करण, आप दोनों में से आज एक कोई लॉकअप से लॉकआउट होगा. जी. तो आपके को कैदियों से पूछते हैं, पूनम क्या लगता है इन दोनों में से कौन लॉकआउट हो सकता है? बहुत अनप्रिडिक्टेबल है मैम ये. आई थिंक बबीता जी. उनमें जितना वो जितना प्ले कर सकती, जितना स्ट्रांगली, वो उतना स्ट्रांगली कर नहीं पा रहे अपनी टीम में, मेरे को जितना दिखता है. बिकॉज जब वो हमारे साथ हमारी टीम में थे तो वो बहुत बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, और आई एम नॉट सीइंग दैट इन 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 द ऑरेंज टीम. तो अंजलि, तुम्हें क्या लगता है? केवी, बिकॉज उनके पास रहने के लिए यहाँ पे अब कोई लाइफ लाइन भी नहीं बची है. और जहाँ तक कि मैम यहाँ पर रिलेशनशिप्स भी मैटर करते हैं मैम, वो दोस्ती में ही मतलब उन्होंने जब बात आई थी सिड और शिवम की, उन्होंने सामने वाली टीम का सिड चूज किया था बिकॉज ऑफ टीम, कि हमें टीम में से शिवम को लॉकआउट नहीं करना चाहिए था. उन्होंने ये आके रीज़न दिया था. और जब आज बात आई थी पूनम को सेव करने की, उन्होंने साइशा का नाम लिखा. आई एम हैप्पी, उनकी अच्छी फ्रेंडशिप है, बट वो हमेशा टीम 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 करते हैं, तो टीम से पूनम थी वहाँ पर. और पूनम का और उनका बॉन्ड शायद मेरे से भी अच्छा है उनका दोनों का, तो उन्होंने साइशा का नाम लिखा. सो ये अंजलि ने आपके बारे में एक चीज़ नोटिस की जो कि मैंने भी की. जब मुनव्वर ने आपका नाम चार्जशीट पे लिखा तो आप फूट फूट के रोए थे, लेकिन आपने कल सिड को आउट ही कर दिया गेम से रूथलेसली एक टेम्पटेशन के लिए. तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है. मुनव्वर, आपका आपको क्या लगता है? मैं क्या मैं पहले ये आंसर कर सकता हूँ? ये बोलिए. रही बात रिलेशनशिप्स की, एंड ऑनेस्टली यहाँ पर कोई रिलेशनशिप बनाने नहीं आया है. इसलिए मैंने साइशा का नाम लिया, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज, आई फील वेरी कनेक्टेड टू हर. आज मैंने दिल से सोचा, रही बात वो कल की, मैंने कल दिमाग से सोचा कि मेरी टीम जरूरी थी. तो कभी मैं दिमाग की सोचता हूँ, कभी दिल की सोचता हूँ. उसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे जेन्युइनली जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है, पर अगर आपने ये बात आई गई है, आई रियली फील फॉर हर. आई जेन्युइनली आई एम नॉट ओनली लाइक हर, आई अडोर दिस वुमन. And I we want also, to, if there's one bond I want to build, I want to build with her. अगर मैं कुछ लेकर जाऊंगा इस lockup से, with fingers crossed the title, but उसके अलावा अगर एक bond लेना चाहूंगा वो मैं साइशा के साथ लेना चाहूंगा. मुनव्वर, आपको क्या लगता है कौन जाएगा इन दोनों में से? कैलकुलेशन बहुत कुछ कह रहे हैं मेरे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि गेम में इस वक्त केवी भाई रहने चाहिए. जो हिसाब से वो सबके साथ, उनका बॉन्ड भी है, नफरत भी है सबसे, थोड़ा कटाक्ष भी है, हर रिलेशन हर इंसान के साथ उनका है, और तो मुझे लगता है शायद गेम में उनको रहना चाहिए. नहीं, रहना चाहिए तो आप जज नहीं है. आपको क्या लगता है आज कौन जाएगा? आज अपना बबीता जी. सारा, करण स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और काफी हद तक वो बहुत स्ट्रांगली खेलते हैं, तो बबीता जी. मैं मुझे भी लगता है कि बबीता जी ही जाएंगी आज, भले ही उनके पास जो भी जिस पावर से वो आई थी, बट वो मुझे लगता नहीं गेम में इतना दिखा पा रही है. और बाबा का योगदान इस शो के प्रति बहुत ज़्यादा लगता है मुझे, और उनका स्टेट ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग है, उनकी विल पावर बहुत अच्छी है, और मेरा कनेक्शन भी उनसे अच्छा, और तो मैं चाहूँगा कि वो रहें, और मुझे लगता है कि बबीता जी घर जाएंगी आज. आई थिंक केवी गेम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उनके जो चॉइसेस रहते हैं वो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल रहते हैं, और वो चाहिए इस शो के लिए. रही बात बबीता जी की, आई थिंक बबीता जी एक एक्सेप्शनली गुड स्पोर्ट्स वुमन है. पहले जब वो दूसरे टीम में थी तभी उनका योगदान वाज माइंड ब्लोइंग. समहाउ आई फील ऑरेंज टीम में आने के बाद वो या टीम की गलती है या उनकी गलती है मुझे पता नहीं, बट आई फील उस रीजन से आई फील बबीता जी कुड बी गोइंग टूडे. निशा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि केवी रहेंगे और बबीता जाएंगी, बिकॉज एज अ टीम प्लेयर इन द टास्क शी इज ग्रेट, बट आई थिंक एज एन इंडिविजुअल शी हैज प्रोबेबली नॉट फिगर्ड इट आउट येट, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद बबीता जाएंगे और केवी रहेंगे. मुझे लगता है कि बबीता जी जाएंगी क्योंकि वो काफी इनएक्टिव रही है इस पूरे वीक में,
जो भी मैंने देखा है उनका एक चिल जोन रहा है, वो बहुत आराम करती रही है। और अली तुमसे ज्यादा आराम तो नहीं किया होगा। आई विल बी बेटर फॉर श्योर। पायल बबीता जी ये वीक में इनएक्टिव थी, ये थॉट प्रोसेस से मैं एग्री नहीं करती हूँ क्योंकि ये वीक में मुनव्वर इनएक्टिव थे, ही वॉज नॉट वेल। बट यहाँ पर नैरेटिव्स हैं जहाँ पर अगर केवी का बिहेवियर या केवी का रिलेशनशिप या केवी का गेम प्लान लोगों को पसंद आ रहा है देन केवी विल स्टे। बबीता जी के साथ मैंने बहुत इंटरेक्शन करा है, उनके लिए मैंने उनको समझने का भी प्रयास किया है, बट समवेयर आई फील या तो वो अफ्रेड है समझने के लिए या तो वो अगर समझती हैं तो नहीं समझना चाहती। तो मैं गेम पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील शी विल गो दो आई डोंट वॉन्ट हर टू गो। बबीता जी आपने देखा कि आपकी टीम के प्लेयर्स भी जी ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने ये जो पूरा रियलिटी शो है इसमें जो टास्क है वो तो आपने समझ ली, लेकिन उसके सिवाय ये क्या गेम है वो शायद समझने में आपको थोड़ी कमजोरी रह गई, क्या आप मानती हैं? गेम समझने की बात है तो मैं एक्चुअली जो मैं हूँ मैं वही मैं यहाँ पे थी और मैंने जो भी बॉन्डिंग बनाई या लोगों को समझने की कोशिश की मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। शायद कहीं कमी रही होगी, अगर आज मैं जाती भी हूँ तो किसी कमी के कारण ही मैं जाऊँगी और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती हूँ कि जो भी होगा बेस्ट होगा और उस चीज को मैं जिंदगी में सुधारने की कोशिश करूंगी। देखिए कमी तो आप में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है या आप किसी चीज को समझती नहीं है या आपको ये जो यहाँ पे जो पूरा माहौल है उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पा रही। आई थिंक आपने इंजॉय भी किया और आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी इंट्रैक्शंस भी की और उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया, आपने टास्क में बहुत ज़्यादा से हिस्सा लिया। लेकिन जो मैंने शुरू से ही महसूस किया था कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट जिस तरह से आप इमोशनली लोगों में अब वो ही आपके दर्द का दुख का कलेश का या नफरत का या स्ट्रेस का कारण भी बनना था और वही चीज़ इस शो में हमें ड्रामा देके हमें एक विनर भी देती थी जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल से अपने एनवायरनमेंट में एंगेज करे। तो फिजिकली आपने एंगेज किया, इमोशनली और मेंटली जी आपने अच्छे से एंगेज नहीं किया। मैं भी ये मानती हूँ कि आप जैसे आपने सबसे ज़्यादा दोस्ती पायल से ही की हो और आपने आज खुद कहा कि हम बिल्कुल भी इमोशनल दोस्त नहीं हैं, हम जो हैं बस डिस्कस करते हैं और वही बस हमारा होता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा के चलना जो है एक सिचुएशन में, हम जैसे आप अपने आप को दंगल में पूरी तरह से आप अपने आप को देते हैं, जो जो खिलाड़ी दंगल में अपने आप को पूरी तरह से ना दे खुद को बचा के रखे तो ऑडियंस उसको पकड़ लेगी, नहीं पकड़ लेगी कि नहीं कि ये बंदा अपने आप को खुद को नहीं दे रहा है पूरी तरह से। तो उसी तरह से ये 24 आवर्स का ये आपका फुटेज लोग देख रहे हैं तो उसमें चाहे वोटिंग हो रही हो जो भी खिलाड़ी खुद को बचा के जा रहा है। और मैं आपको कहूँगी बबीता जी आप तो बिल्कुल खर्च ही नहीं हुए यहाँ पे। आपको क्योंकि देखने वाले को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैंने अपने आप को खर्च नहीं किया, बट मैंने हर किसी के साथ अच्छी, मैंने अपने दिल से बता रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छी अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की घुलने मिलने की भी। और ओबियसली मैं सिर्फ पायल से नहीं, पायल के साथ ज़्यादा टाइम बैठे दिखी होगी लेकिन मैं हर किसी के पास जाके अपनी खुद की भी बातें शेयर की थी। अब लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं क्योंकि मैंने भी एथलीट का रोल किया है जी जी और आपने मेरी फिल्म बहुत कामयाब फिल्म में मैंने हरियाणी एथलीट का रोल किया है और वो तो बहुत छोटे लेवल के एथलीट मैंने प्ले किया था, आप तो बहुत बड़े लेवल के एथलीट हैं लेकिन जो एथलीट होते भी हैं जी वो थोड़े मस्त मौला टाइप कैरेक्टर होते जी, हैं जी। तो आई थिंक आप एक ट्रू एथलीट हैं और उसी ट्रू स्पिरिट में आपका वही मूड रहा है हमेशा जी जी, जो है वो ठीक है और जो होगा वो ठीक ही होगा। तो ये जो हुआ है ये भी ठीक ही हुआ है बबीता जी? जी जी देखिए मैं उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, जो भी होता है मैं उस चीज़ के लिए तैयार रहती हूँ चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मैं अपने माइंड को तैयार रखती हूँ कि अगर अच्छा भी होगा तो भी मैं उस चीज़ को हजम कर पाऊँ और बुरा भी होगा तो मैं उस चीज़ को हजम कर पाऊँ। चलिए स्पोक लाइक अ ट्रू स्पोर्ट्समैन। और इसी के साथ आज जो लॉकअप से लॉकआउट होने जा रहे हैं वो हैं बबीता जी। थैंक
थैंक यू जी, बधाई हो आपको. वेल प्लेड बबीता जी, वेल प्लेड रियली गुड गाइस. थैंक यू. या बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की रखी है हरियाणा की ट्रिप. थैंक यू सो मच रिस्पेक्ट देने के लिए इतना. थैंक यू. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बाबा मुबारक हो. बहुत इतना आप लोगों ने प्यार दिया है, इतनी रिस्पेक्ट दी है, मैं आप लोगों का सम्मान करती हूँ. सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना मान सम्मान प्यार देने के लिए. थैंक यू सो मच या रियली थैंक यू सो मच. और एक सच अभी बता के जा रही हूँ, मुझे पहले फील हो रहा था ये 2-3 दिन से ही कि मैं जाने वाली हूँ. थैंक यू बैब. थैंक यू. ऑल द बेस्ट सभी को, सब अच्छे खेल रहे हैं, खेलते रहिए. या करण इस हफ्ते तो तुम बच गए, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ता जाएगा और एलिमिनेशंस बहुत ही फास्ट ट्रैक होती जाएंगी. तो ध्यान रहे, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग सही खेल रहे हैं कि गलत, मुझे यही फर्क पड़ता है कि आप कैसा खेल रहे हैं. मेक योर गेम इंटरेस्टिंग एंड प्ले टू विन. Karan, take your seat. Thank you. Thank you, everybody. जब हम गेम को इंटरेस्टिंग बनाने की बात कर रहे हैं तो एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए. कोई भी बोरिंग पर्सन मेरे लॉकअप में नहीं रहेगा. अली, तुम्हें मैंने तूफान बनाकर अंदर भेजा था और तुम बिल्कुल ठंडे निकले. तो आज इसी वक्त मैं तुम्हारा नाम अगले हफ्ते की चार्जशीट में डालती हूँ. ये तुम्हारा मौका है अपने आप को बचाने का और इस चार्जशीट से निकलवाने का. अली, ये आपका आखिरी मौका है. डू योर बेस्ट. और आप सब लोग अपनी गेम को इंटरेस्टिंग बनाने में ध्यान दीजिए. किसी को अपने दिमाग के साथ मत खेलने दीजिए. हैव अ माइंड ऑफ योर ओन एंड एवरीबडी अप योर गेम. किसी का साइड किक या सपोर्टिंग कैरेक्टर बन के मत घूमो. अपना दिमाग चलाओ. मेक इट योर ओन विनिंग स्टोरी. और बाय द वे, मैंने सुना है बहुत ज्यादा रूल्स ब्रेक हो रहे हैं. वेल, अब से करके दिखाना. सी यू नेक्स्ट वीक. यू आर कमिंग ऑफ लाइक मी एंड अंजू एज द साइड किक्स. नाउ आई प्ले माय गेम. तू खुद का देख. अब मैं करूंगी. अच्छा, नहीं करूंगी भाड़ में गेम. आई एम गोइंग टू प्ले माय गर्ल्स. अंजू, थैंक यू फॉर सेविंग मी. मुझे पता था ये तुझे बचाएगी. मैं भी थक गई हूँ अपने पास्ट को लेके सदमे में रहने का. फिर हाँ यार, ऊपर छूतिया पा सच में छूतिया औरत बनी. देख, एवरीवन इज प्लेइंग देयर गेम. या सब खेल रहे हैं. मैं नहीं खेल रही. मैं खाली टास्क में मेरी एनर्जी डालती हूँ. और वहाँ पे भी मैंने अंजू को भी ये बात बोली, मेहनत तू करती है कितनी तगड़ी, पर टास्क कौन मलाई लेके जाता है हमेशा. यू हैव टू अंडरस्टैंड, फ्रेंडशिप इज गुड, रिलेशनशिप अफेक्शन ऑल ऑफ दैट इज वन साइड, बट योर गेम हैज टू बी यू. यू हैव टू बी द लीड ऑफ योर स्टोरी. हाँ, मैं क्यों किसी के साथ में रहूं? बाकी यार, ये लोग कौन सा मेरे को मेरे घर का राशन भरने वाले हैं? कोई भी. हाँ? क्या हो रहा है पता? कोई भी, इंक्लूडिंग मनावर, कोई क्या करेगा? See, क्या you, ये वो भी बाहर जाएगा, वो अपनी पटेली में रहेगा. मैं तुझे इतना मेरे खिलाफ कोई बोल दे, मेरा तो मुंह ही, मैं तो रोना लग जाऊंगा, मर जाऊं मैं तो. आप तो बहुत स्ट्रांग हो फिर भी. तो ये लोग अभी अभी आपको पता है हमारे यहाँ पे क्या क्या गैंग्स है, सब कुछ पता है. ठीक है, अब मैं अपने आप को तो सर्वाइव कर लूंगी. कभी कभार अगर जरूरत पड़ी आपकी तो मैं बात करूंगी. अभी आपका बैग पैक कर लो, आपने जाने का. अरे good decision. Okay. Task may you do whatever you want for the team with the team. Bhar mein hai sab log. I felt na Babita ji. Wo kal hi baat ki thi hum logon ne wahan par. 3 hafte tak agar tumko dikhane nahi mila
वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी चाह के भी लाइक शी हैज अ जीरो फ्रेंड वो नहीं हो रही थी उनके जीरो फ्रेंड्स लाइक इट शोज दैट यू आर नॉट इन्वेस्टेड इनफ विद द पीपल यू आर वर्किंग विद और यू आर एब्सोल्युटली कंप्लीटिंग अपनी ऑपोजिट टीम में अपन खाली कर देते भाई हाँ ऐसा ही करते बहुत बिल्ले लोग अपन सामने जो भी आता एकदम खाली कर देते खोखला कर देते यार हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं प्लीज तुम लोग ये भी हैशटैग जो भी ये जो हरामी फैन पेजेस जो भी चला रहे ना हैशटैग वो बंद कर दो ठीक है सिर्फ दोस्त सिर्फ दोस्त बोलने की जरूरत ही नहीं है ये बोले कि सीरियस है अभी तो स्टैंप ही कर रही है तू हां ये मत बोल हम लोग दोस्त सिर्फ दोस्त अच्छे दोस्त है यार लोग चाहते हैं ऐसे दोस्त होना बढ़ाओ 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 भाईचारा बढ़ाओ बढ़ाओ आज हो गई एक और कैदी की मेरे लॉकअप से छुट्टी सब अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता वेल वक्त आने पर सबका हिसाब होगा ये मेरी अत्याचारी जेल है और यहाँ कोई नहीं बचेगा मेरे लॉकअप में सब हीरो बनना चाहते हैं लेकिन विलन विलन का आना अभी बाकी Super popular. Oh man. How's this going? It's going good. So show me around, yeah, guys. Yes, of course. Bathroom. भैया ये है हमारा घुसड़ खाना ये है देसी सिस्टम ये दिस इज आवर देसी वॉशरूम और अपने को कुछ करने वरने का सब हिसाब किताब सॉलिड है Only if you are orange team, this is. We will show you the blue team. अच्छा blue team हो तो अभी तो चेतन आपको चेतन वॉशरूम अभी recently मैंने इनके साथ शो किया था that's how I could. And I knew that he's coming and I was just waiting when. Oh really? Yeah. How do you know? Huh? I knew. Yeah. What did he say? I was confused. I knew. I heard about him. मुझे बिल्कुल नहीं आया बट वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स किया इसने ओह वो इतनी पार्शियलिटी क्यों भाई वी वांट इट अब ये फर्क यू वांट इट अभी एक और को हटाना पड़ेगा रास्ते से दूर जा मुंजली हो गया फिर पता लगा मुनीशा बन जा रहा है नहीं नहीं ठीक है अच्छी बात है बॉन्डिंग करा लो सबके साथ करा लो तुमने तुम्हारे सिवा कौन बनाएगा नाश्ता तुम ही हो जिम्मेदार हो तो अगेन लेट मी रिमाइंड यू
I don't want to be like goal like Bayer. I figured it out in 2 days that you guys did not need help, so I backed out and tab se ye aise lag raha bomb blast hua hai. To maine kaha okay. तो वही मैं बोला. साफ करूँगी और बैठ के खा लूँगी. वही मैंने बोला मैंने. तो हो गया ना? I understood ना. मैं अपने opinions वहाँ नहीं देती हूँ जहाँ उनकी. अच्छा ये तुम्हारा trigger point है क्या? तो मैं वापस use ना करूँ. क्या? ये trigger point है तुम्हारा निकला मुद्दा उठाना. मैं कब मुद्दे उठाती हूँ यार? मैं अपना चिल करती हूँ जब तक कोई बोलता नहीं है. पंगा लेके मेरे सर्कल के अंदर आओगे तो मैं बोलूँगी. देखो एक बात बोलूँ. जो चीज मुझे ऐसा लग रही थी ना कि यार निशा ये ज्यादा ही कर रही है. सेम तुम्हें सैटरडे को वो चीज सब गुड न्यूज़ निशा तो ये ज्यादा ही कर रही है इन अ डिफरेंट योर शो. बट लेट्स टॉक अबाउट आशो 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 आई वांट टू टॉक अबाउट दिस. इट्स गॉट 100 मिलियन व्यूज. हर महादेव अमेजिंग हाईएस्ट रेटेड शो ऑन ओटीटी. अभी चेतन जी आए हैं. घर का माहौल थोड़ा बदलेगा. पायल रोहतगी से डाइवर्जन होगा. अलग इक्वेशंस बनेंगे. केवी जी थोड़ा इनसिक्योर होंगे बिकॉज केवी जी के यू नो लाइन से हैं. मतलब केवी जी के सेम इंडस्ट्री से हैं चेतन जी. अरे 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 बैक. ये क्या हो गया? ये है पायल रोहतगी. Oh, y'all know? Okay, okay. So, I am the leader of Team Orange, but it's forget that. Aap meri team mein aa jao, main aaj jodke. Nahi, nahi, nahi. Abhi just showed him luxury, bro, is in blue. Luxury, kaafi luxury hai. Bahut luxury. Varna, dekho, pata hai na. Bathroom luxury is the most important. Bro, you have to use that, huh? Commode. Huh? Indian style commode. Ya to. But we will. But that stool. Chetan ji, we will need your support and your contribution will be really appreciated. Team balance. No, no, there's no balance. We need power, we need intelligence, and you have both of that. No, all right? I need you very badly. Team Monty, bro. Sorry. आप मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि आप कंसिडर करिए टीम ऑरेंज में आना. तरस खा के मत जाना ऑरेंज में. यू आर हियर टू प्ले द गेम. यस टू प्ले द गेम. सो प्ले द गेम. तरस कोई नहीं खा रहा है. आई हैव टू पिच माय टीम. इवन आई एम पिचिंग. यू पिचिंग योर वे. आई एम पिचिंग तरस तरस एंड ऑल दैट. ही इज ऑन द वे ओनली. सब देख रहे हैं कि मैंने ये जगह साफ करी है विदाउट इवन आपके गार्ड्स के कहने पर या आपके जेलर साहब के अनाउंसमेंट के ऊपर. मैं ये जगह साफ कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि मैं ना वाइन करती हूँ ना कंप्लेन करती हूँ और मुझे ऑर्डर्स समझ पड़ते हैं. और आप मुझे अनप्रोफेशनल प्लीज मत बोलिएगा बिकॉज मैं अनप्रोफेशनल नहीं हूँ. ठीक है. थैंक यू फॉर सेविंग मी दिस वीक. अगले हफ्ते देखते हैं क्या होता है. नाइस. या इंडियन लुक एंड सेक्सी हॉट ड्रेसअप. नाइस ना? लुकिंग नाइस राइट. ये देख. हाँ नाइस. दिस इज नाइस. है ना? या वेरी प्रिटी. अब हम किचन का काम करते हैं. यस बहुत मजा. किस चीज वो को सेट विद योर मुनव्वर. व्हाई वो ना सेट विद योर मुनव्वर. मेरे पास साइज है तो मैं मुनव्वर के पास क्यों बैठूं? ना इज गेटिंग बोर्ड विद मी. प्लीज एंटरटेन हिम. बोर्ड. वो मेरा दोस्त है. मेरे को एंटरटेन नहीं करता. Don't break our bond. Whose bond? Our bond. I am not breaking any bond. Oh, what? She's getting bond? We know who the bond breaker here is. Who? Who? मेरा एक ही तो दुश्मन है इस घर में. सब यहाँ पे सब मैं हूँ. बुरा इंसान भी मैं. मैनिपुलेटर भी मैं. दोस्तों को दगा देने वाला भी मैं. मीन भी मैं. सब कुछ मैं. यहाँ सब मैं ही हूँ. और अब मेरा प्यार भी तू है. क्या लगता है नए कैदी के बारे में? सोडा बॉटल ही है क्या? इंसान अच्छा है. इज अ गुड पर्सन. इज अ ला लेना पर्सन. उससे वो बुरी वाइब नहीं आती. बहुत अच्छी वाइब आती है. लाइक ही इज वो दिमाग में बहुत सारी दुनिया लेके बैठा है. एक्सपीरियंस इंसान है. 47 इयर्स. ऐसे लोग क्या है ना उसको उसको सिर्फ एक ही चीज प्रॉब्लम देगी. कनेक्ट होने. यंग ऑडियंस से कनेक्ट होने में. आपके रेफरेंस दे के कुछ बात करो. मेरी कोई भी बात ऐसी रहती है कि कोई दूसरे दूसरे को बोले भी ना तो फर्क ना पड़े. यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. यू आर रिप्रेजेंटिंग ए कम्युनिटी. यू हैव योर ओन रिस्पेक्ट. Outside,
there are hashtags going on. Of you know. And, these two. Yeah. And you are making a fool of yourself. It's not okay for you to take jokes this lightly. You should know. I'm telling you as a friend apart from this game. However your relationship is, however you want to continue after this, I'm not going to tell you anything. I will not. This is my first and last time which I'm trying to tell you as a third person when I see when you're representing a community. To just give you a lowdown on things, as of now their team is stronger in terms of the task. They've won because more than us. Because our coordination is very well. Yeah. Their sync is good. They have two masterminds in that team, which is KV and Munawwar. Here, what has happened why is... Why are you forgetting him? No, no, I'm not a mastermind, bro. No, mastermind, wo hai. He is very dedicated, 100% apna deta task. I am given hard, bro. Sir, main dimag se zyada, itna I'm not that sharp. And there are a lot of followers in that team. Like, who are okay to be followers. You know, now with all the feedback that Kangana has given, those followers might try to become leaders. But, you know, sometimes it's like, it's inherent. Either you're a born follower or a leader, right? Yeah, yeah, like they say, leaders are born. Of course. मेरे बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं है मगर मैं जो हूँ मैं वो हमेशा रहूँगी और ये तू भी जानता है मेरे को अभी मेरा जो मन कर रहा है वो करना है तभी तक तुम वो कर रही थी जो तुम्हारा मन नहीं कर रहा था कुछ चीज़ें मैं अपने मन के खिलाफ भी कर रही थी देयर आर सर्टेन थिंग्स लेट मी बी मी नाउ अच्छा तो तुम मुझे लगा यू वो योरसेल्फ आई वाज मैं बीच बीच में ये हो रही थी थोड़ा सा बीच बीच में आई वाज कि ठीक है यही मेरा ग्रुप है स्टॉप टॉकिंग टू एवरीबॉडी मैंने किसी से बात करना बंद कर दिया था मैंने सबसे मैं हमेशा ग्रुप के लिए मैं ये करती थी कि ये मेरा ग्रुप है ग्रुप के लिए मैंने फाइट किया ग्रुप के लिए मैंने खेला है जो भी किया मैंने ग्रुप के लिए किया मेरे को अपने लिए एक मिनट तुमको किसने बोला ग्रुप के लिए लड़ने हो तुमको किसने बोला इससे बात नहीं करने किसी ने नहीं तो एग्जैक्टली वो भी मेरा डिसीजन था और ये भी मेरा डिसीजन I'm not saying कि तुम किसी और से बात करो मेरे को देखो खाली ये बोलना है कि अगर तुझे ऐसा थोड़ा भी लगता है कि मेरे में कोई रुक जा ये मेरे में कोई ड्रास्टिक चेंज है या तेरे को ऐसा लगता है कि कुछ भी तो ऐसा मत सोच मैं कभी ऐसे एनवायरनमेंट में रहा नहीं हूँ कि मैं 10 दिन 15 दिन किसी के साथ हूँ कि मेरी उनसे दोस्ती हो जाए मैं कभी ऐसे रहा नहीं बट आई नो माई नेचर कि अगर मैं 20-25 दिन किसी के साथ हूँ तो मैं अच्छा दोस्त बन जाऊँगा और वो सब हो रहा था उस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था इसलिए तुमसे इस तरह के जो मजाक करता था वो मैं करने लगा समझ और वो वाली बात जो तुमने किचन वाली बोली जो तुम्हें बुरी लगी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट आई विल मेक श्योर कि मैं कभी ऐसा कुछ मजाक ना करूँ कि तुम्हें जिससे बुरा लगे बट यू नो मी मैंने वो एज अ फ्रेंड मजाक किया तुम्हारी कोई फीलिंग का मजाक किया या वैसा नहीं था वो खाली एक सामने वो देना एक दूसरे को वैसे वाले में ही था आई रिस्पेक्ट यू और अ लॉट एंड जस्ट बिकॉज आई डोंट नो कि वो फीलिंग्स कैसी है क्या है इट्स वेरी प्योर अच्छी बात है आई रियली रिस्पेक्ट बट आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग दैट मेक यू फील के ओ देयर इज अ होप एनी थिंग यू अंडरस्टैंड और यहाँ पर कोई और भी लड़की होती कुछ भी मेरे सामने कुछ भी दिखाती मैं उसको भाव ना देता उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न समझ उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है दैट आई लव समवन एल्स ठीक मैंने भी ये सोच के नहीं आई थी कि यहाँ पे मुझे कुछ वैसे फीलिंग्स हो जाएंगे या मुझे यहाँ से प्यार हो के निकलना है मैंने भी जैसे तू यहाँ आया था मेरा भी गोल बस वही था सेकेंडली जो बात हुई वो जो जोक की उसमें क्या है आई कम विथ इनसिक्योरिटीज एग्जैक्टली आई एम सॉरी फॉर दैट नो सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ ट्रांस वुमन बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीपल टेक फॉर ग्रांटेड तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी सेलिब्रिटी हूँ मेरी लाइफ प्रिविलेज्ड है तो मुझे कुछ झेलना नहीं पड़ता है रादर मैंने 2% भी झेला नहीं है लेकिन मैं अगर ऐसी चीज़ें ओके है दिखाऊं यहाँ पे तो बाहर भी लोगों को लगेगा कि ऐसी चीज़ ओके है एंड मैंने वो देखा नहीं जो मैंने वो बोला ना वो एज अ फ्रेंड एंड आई गेट योर पॉइंट ऑफ व्यू बट वो ही है ना फिर थोड़ा आई अंडरस्टैंड चलो यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं या ठीक है आई डोंट लाइक हर फेस Such a negative vibe.
जब ये हंसती है ना इतनी नेगेटिव वाइब देती है ना इतनी नेगेटिव। सुबह सुबह मैं सो के उठा था तो वो योगा कर रही थी और देख के डर गया था ये क्या हो रहा है क्या है क्योंकि वो एकदम वो ना बहुत डिस्टर्ब माइंड में बैठ जाती है ना फिर रात को महीनों तक अब वो विजुअल्स रिपेयर करे वो एक बार बैठ जाता तो फिर वो माइंड में बैठ जाता फिर मैंने आओ थोड़ा सीधा सोचे आओ अपनी तरह अपनी सोच बदले चालू हो गया सुना ना मुनावर का डैमेज कंट्रोल करें आओ डैमेज रिपेयर करें क्या चल रहा है कुछ हो रहा है गड़बड़ है अब क्या हुआ भाई एक जन आ रहा है इधर भाई कुछ तो लोचा है क्या अच्छा। हो गया बहन ओह क्या आई हेट दिस लाइन कह दी इस गोटियों All the best, Pai. अभी आपको भी चाहिए कि मैं भी दे दूँ 5 मिनट में? 5 मिनट में दे दो, खाली सोने दे दो। मैं भी बात करूँ, फिर आपको देता हूँ। जाने से पहले आपको देता हूँ। You know, I love loneliness. Absolutely. है ना? मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। सिर्फ रहना वहाँ पे 3 दिन। पानी इधर है? नहीं, काला पानी है। काला पानी। अरे ये आइए, खास मैं कल वहाँ पे चली जाऊंगी मैंने आज ये पूरा साफ किया पूरा साफ किया नहीं मैंने आज पूरा साफ किया मैं कल चली जाऊंगी आप क्लियर हो ही नहीं पायल पायल मजा आ जाएगा ना अगर स्क्रीन पे लिख के आए थैंक यू फॉर क्लीनिंग पायल ये डंजन है ये डंजन है ये वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट है ये काला पानी नहीं नहीं ये डंजन है डंजन उन्होंने यूज किया कभी पायल वो ऑर्गेनिक है मैं यहाँ पे सोऊंगी इतनी मेहनत से क्लीन किया उसने इतनी मेहनत से क्लीन किया मैंने बहुत क्लीन किया मैं कल चली जाऊंगी अरे वो कलर वाला मैं नहीं जाऊंगी अरे आज मैंने बोला आज पूरा सफाई किया है कलेजे में जैसे ठंडक पै गई है यार मजा आ गया यार क्या घुमाया है भाई क्या घुमाया कभी आ रहा है मजा आ गया समझी बात है आप जेलर साहब को बुलाइए मैं नहीं आ रही आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते नहीं एक मिनट आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते हां सो लेट देम इंक्रीज प्लीज आप देख रहे थे मैं सफाई कर रही थी आपको मुझे बोल देना चाहिए था वो है मैं वहाँ पे सफाई कर देती शिवम को दुख हो रहा है दुख तो किसी को नहीं हो रहा केवी केवी ज्यादा खुशी किसी को नहीं हुई क्या खुशी छुपा रहा है अंदर के अंदर कवर करनी केवी केवी भाई आई एम अ ह्यूमन बीइंग आल्सो नो इतना भी मेरे साथ जाती मत करिए ना मैंने इतनी मुश्किल से जगह साफ करी आपने देखा मैंने जगह साफ करी तो आप क्लैरिफाई कर सकते थे कि ये नहीं है वो है या गार्ड आप पहले भेज सकते थे आपने पहले भी गार्ड नहीं भेजा आपके गार्ड आए उसके पहले मैंने जगह साफ करी बिकॉज मुझे पता था कि आप गार्ड कभी भी भेज सकते हो तो अभी ऐसे करना गलत बात है ना के भाई ने कितनी खुशी कितनी मुश्किल से छुपाई है कितनी मुश्किल से इंसान ने बाबा खुश तो मैं खुश नहीं बाबा खुश मैं खुश बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है हाय सजा तो भोगनी पड़ेगी भाई देख जो रूल है वो रूल है एंड कंगना सेड डोंट ब्रेक एनी रूल मैं देखती हूँ कैसे रूल आप तोड़ोगे खुला है भाई है नहीं नहीं लॉक वी विल हैव नहीं लॉक तो अंदर से सी अभी ये सूखने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा अब क्या करें वो चाह रही है इतना मत डालना पानी उसी से साफ कर ले पर उसको पानी चाहिए उसने वहां पे भी ऐसे किया था यू वांट ऐसे पानी ना पायल यू वांट ऐसे पानी सूखेगा कब नहीं पुट द वाटर वी जस्ट वाइप इट दिस इज टू मच वाटर मैं दे आर बिकॉज़ दे वांटेड टू डू नहीं नहीं देखो दे हैव टोल्ड मी बिफोर ना मैं ये साफ कर देती इट्स अ पार्ट ऑफ देयर टॉर्चर नो अत्याचार ठीक है करो 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 जो करना है करो आप यहाँ आए हैं मतलब वो इस तरीके से बात करिए जैसे इसके घर में मेहमान आया हो और आके इसको डांट रहा हो तुम उनके यहाँ पर मेहमान हो वो जब चाहेंगे बाहर निकाल देंगे उनको कंटेंट चाहिए ना कंटेंट अभी छेड़ने जा रही है पायल मत छेड़ना मैं तेरे को सही बता रहा हूँ जिंदगी में पूरी दुनिया संसार में ना 100 साल में एक सलाह आती है 100 साल की संसार की सलाहों में से एक सलाह ये मतलब संसार में 100 साल होते हैं ना जब तब एक सलाह आती है वो सलाह 100 साल होते हैं 100 साल में एक बार सलाह आती है वो सलाह आज की है कि पायल को मत छेड़ना कुछ भी कर देना आग मार देना बट उसको नहीं छेड़ना मैं ये भी नहीं कॉल कर फोन कर देना भी नहीं बोल सकती गुड नाइट चलो गुड नाइट टेक केयर
If not a unicorn, Pegasus. Okay, I'm not liking this. Tell na, it's okay na. Om Namaste Shivaya. नहीं यार देंगे आज रात को तुमने तुमने बोला था यू विल गेट थ्रू पायल इज फाइन यू विल डू इट पायल मैं वापस हो रही थी ना मैंने इतना तो कुछ नहीं किया आई हैव अ राइट टू डिफेंड माय सेल्फ आई एम सॉरी फॉर व्हाट इमेजिन हाउ कूल यू आर कैप्टन को तो देख डूइंग हैंड स्टैंड एंड स्टफ इनसाइड रॉकस्टार You got this, girl. समझे? मिले ड्राई है वैसे भी फेंकने का इसको. Just use this. पहले वो पूछ लो ऊपर का बेंच पूछ लो एक बार. इससे ज़्यादा अत्याचार कुछ नहीं हो सकता पूरे घर में. Yeah, yeah, going, going, going. जा रहे, जा रहे, जा रहे. पायल बीच में ज़्यादा करो. नहीं तो गीला हो जाएगा फिर ड्राई नहीं होगा बीच में. चलो अब जल्दी सूख जाएगा पायल. Okay. I think in half an hour it should finish. Who is happy there? I know. कल round मारने चले जाना वहाँ पर. That's when they do all. आप आदि शक्ति हो मैम. आप यार God आ गए. चलो. जा रहे. चलो. चलो पायल. Okay bye. चलो good night bye. Good night. Good night. Sleep right. कुछ नहीं. Make the confinement look beautiful. पायल जी. Yeah. You are रोहतगी. यार अभी बुरा लगा है पायल को रोका रहा है क्या? I don't like her but अभी मुझे बुरा लगा उसको. Of course. Me too. हाँ? ग्रोई ना जब वो. बुरा लगा उसको. But उसने ये बोला I don't deserve this वो मुझे बहुत लगा. उसने बदतमीजी की है वो लेवल पे. अब एक और कैदी मेरे लॉकअप में बंद हो गया है बड़ी ही रंगीन एंट्री थी लेकिन ये क्या रंग दिखाएगा अंदर ये आने वाले हफ्ते में पता लगेगा सी यू नेक्स्ट वीक